स्वागत है दोस्तों न्यू आइडियाज YT यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आज के वीडियो में हमने देखना है ट्रैवर्सिंग ग्राफ, ट्रैवर्सिंग सेकेंड वे। सेकेंड वे मीन्स कि हमने बात की थी कि जो ग्राफ ट्रैवर्सिंग होती है वो दो तरीके की होती है। ग्राफ ट्रैवर्सिंग दो तरीके की होती है। फर्स्ट वन इज अ डीएफएस। डीएफएस डीएफएस मीन्स डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गो क्लियर है। सेकंड हमारा क्या है, बीएफएस। बीएफएस मींस डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गो। ठीक है, एल्गो। ठीक, तो दो टेक्निक थी हमारे पास ग्राफ ट्रेवर्सिंग में, जिसमें से पहली वन थी डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री। इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं स्टैक की मदद से। एंड जो हमारा बीएफएस है ब्रीथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, ये भी हमारी क्या सर्चिंग, ये ट्रेवर्सिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, ट्रेवर्सिंग मतलब जैसे कि डिस्प्ले करना ग्राफ के सारे एलिमेंट को या वर्टाइसिस को डिस्प्ले करना ही ग्राफ ट्रेवर्सिंग कहलाता है। इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्यू के थ्रू। ठीक है, तो दोनों अलग 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 तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। ये स्टैक के थ्रू होगा, ये क्यू के थ्रू होगा। तो आइए जानते हैं कि बीएफएस होता क्या है और इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसको एक एग्जाम्पल से लेकर के अच्छे से समझते हैं कि कैसे बीएफएस यूज की जाती है। तो चलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है बीएफएस में, ब्रेथ फर्स्ट सर्च इज अ ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम। ब्रीथ फर्स्ट जो है, जो बी एफ एस है, एक ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम है। ट्रेवर्सल बोलो या डिस्प्ले, ग्राफ को डिस्प्ले करने की एक एल्गोरिथम है। दैट स्टार्ट ट्रेवर्सिंग इज द ग्राफ फ्रॉम द रूट। इसका मतलब क्या है कि दैट स्टार्ट ट्रेवर्सिंग द ग्राफ फ्रॉम द रूट। रूट से स्टार्ट होगा नोड, एंड एक्सप्लोर ऑल द नेबरिंग नोड्स। क्या करेगा, हम ग्राफ जब भी ट्रैवर्सिंग करेंगे बीएफएस को, तो ये क्या करेगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट मानेगा किसी भी नोड को, जिसको हम बोलेंगे रूट नोड। वो रूट नोड कोई भी नोड हो सकता है, किसी को भी हम मान सकते हैं, पर एक हमें इनिशियल नोड या रूट नोड मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद रूट नोड से उससे नेबरिंग मतलब उसके जस्ट अपोजिट वाले, मतलब जस्ट एडजेसेंट वाले जो भी नोड्स होंगे उनको हम ट्रेवर्स करेंगे या एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, उनके पास जाएंगे और उनको प्रिंट कराएंगे। ठीक, देन इट सिलेक्ट द नियरेस्ट नोड। नियरेस्ट नोड जो भी सिलेक्ट करेंगे नोड्स, रूट नोड होगा, उससे जो भी नियरेस्ट नोड होंगे उनको एक्सप्लोर करेंगे। अनएक्सप्लोर्ड नोड मीन्स, अनएक्सप्लोर्ड मीन्स एक्सप्लोर्ड नोड ऑल द अनएक्सप्लोर्ड नोड्स। अनएक्सप्लोर्ड का मतलब है कि हम जो भी नोड पिक करेंगे उससे जो सब ट्रीज होंगी या तो लेफ्ट एंड राइट वाले जो भी, तो अनएक्सप्लोर्ड कहलाएंगे वो। उनमें से हम उनको हम उनके पास जाएंगे और उनको प्रिंट कराएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। व्हाइल यूजिंग बीएफएस फॉर ट्रैवर्सल, एनी नोड इन द ग्राफ कैन बी कंसीडर्ड एज द रूट नोड। ठीक है, व्हाइल यूजिंग बीएफएस फॉर ट्रैवर्सल। ठीक है, ट्रैवर्सल में एनी नोड इन द ग्राफ कैन बी कंसिडर्ड एज अ रूट नोड। जैसा कि हमने बताया कि ग्राफ में, ग्राफ ट्रेवर्सल में किसी भी नोड को हम रूट नोड मान सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको रूट माने। यहाँ पर हमारे पास कुछ एक ग्राफ है, ये है जैसे ए का एडजेसेंस। पहले तो एडजेसेंस जान लेते हैं कि ए का एडजेसेंस कौन सा है। तो ए का एडजेसेंस हमारे पास जैसे कि ए से जो हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ, मतलब ए से कौन से ग्राफ निकले। एक तो ए से हमारे पास ये निकला है और एक ये निकला है, ये एडजेसेंस है क्योंकि ये आउटगोइंग है, ए से आउटगोइंग। ठीक है, तो वही एडजेसेंस कहलाएंगे। और जो ए में आएगा अपकमिंग इनकमिंग वो हमारा नहीं कहलाएगा, वो इसका होगा। ठीक है, एफ का। तो ए से जो आउटगोइंग हमारे पास रूट एज है वो कौन कौन सी है, एक तो डी की तरफ जा रही है, एक बी की तरफ जा रही है। तो ए का जो एडजेसेंस होगा वो एक बी होगा,
और एक डी होगा। तो जैसे कि देखा कि एक एडजेसेंट बी और डी, अब बी का एडजेसेंस देखते हैं। तो बी के लिए देखो एक आउटगोइंग ये है, एक आउटगोइंग ये है, तो बी का एडजेसेंस हो गया सी और बी का एडजेसेंस हो गया एफ। ठीक है, तो बी का एडजेसेंस सी और एफ। नेक्स्ट क्या है, सी का एडजेसेंस हमारे पास एक तो ये आउटगोइंग है, एक ये आउटगोइंग है, तो सी का एडजेसेंस होगा जी ई और जी। ठीक उसी तरीके से जी का एडजेसेंस क्या होगा, ई होगा, और ई ई का एडजेसेंस क्या होगा, बी होगा, और एफ होगा, और एफ का एडजेसेंस क्या होगा, एक्स एफ का एडजेसेंस ए होगा क्योंकि ये इधर जा रहा है। ठीक है, और डी का एडजेसेंस हमारा एफ होगा। क्लियर है? तो ये एडजेसेंस है, एडजेसेंस मीन्स जस्ट बगल वाले। अब इसमें इसने बोला क्या है कि एनी नोड इन द ग्राफ, एनी नोड इन द ग्राफ कैन बी कंसीडर्ड एज अ रूट नोड। मतलब हमारे पास ग्राफ में इतने सारे वर्टाइसेस हैं, एक वर्टाइसेस ये है, 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 इतने हमारे पास 7 वर्टाइसेस हैं। इनमें से हम किसी भी वर्टाइसेस को, किसी भी नोड को हम क्या मान सकते हैं, रूट नोड मान सकते हैं। भाई रूट नोड हम किसी भी नोड को कंसीडर कर सकते हैं, हम ए को भी कर सकते हैं, बी को भी कर सकते हैं, सी को भी कर सकते हैं, जी को भी कर सकते हैं, डी को भी कर सकते हैं, आप किसी को भी कर सकते हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट करें वो ट्रैवर्सिंग ही कहलाएगी। ठीक है, तो आपको जिस पॉइंट से लेना हो वो पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, रूट नोड, ये रूट नोड। तो हम अगर सपोज करो हमने क्या किया कि हमने रूट नोड इसको माना। ठीक है, रूट नोड हमने किसको माना, इस वाले नोड को हमने रूट नोड माना। ठीक है, ए को रूट नोड माना। तो अब हम इससे स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो पहले और आगे देख लेते हैं। बी एफ एस पुट्स एवरी वर्टाइसिस ऑफ द ग्राफ इंटू टू कैटेगराइज। क्या करता है बी एफ एस, दो कैटेगरी में डिवाइड करता है। एक तो पहला है, पहला जो है एक हमारा होगा विजिटेड, विजिटेड ग्राफ, एक होगा नॉन विजिटेड। मतलब नॉन विजिटेड का मतलब है कि एक तो हम जब जो चीज विजिट कर चुके होंगे वो होगा, एक होगा नॉन विजिटेड। विजिटेड मीन्स जो ग्राफ विजिट कर चुके होंगे उसको हम दोबारा प्रिंट नहीं कराएंगे। ठीक है, जो एक बार विजिट कर चुके होंगे उसको दोबारा विजिट नहीं करेंगे। इट सिलेक्ट अ सिंगल नोड इन द ग्राफ, ये क्या करेगा, ये सिलेक्ट करता है सिंगल नोड इन द ग्राफ, एंड आफ्टर दैट विजिट ऑल द नोड्स एडजेसेंट टू द सिलेक्टेड नोड। ठीक है, क्या करेगा, पहले तो ये क्या करेगा, ब्रेकफास्ट में हम एक नोड को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उससे जो उसके जो चाइल्ड नोड होंगे, चाइल्ड बोले या एडजेसेंट नोड बोले, उनको हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे या विजिट करेंगे वन बाय वन सब में। क्लियर है? ये है, ठीक है, ये एक तरीका है, और इसको बीएफएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग क्यू डेटा स्ट्रक्चर वी इम्प्लीमेंट बीएफएस, यूजिंग क्यू डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट्स बीएफएस, बीएफएस को हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर की मदद से इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर है? नाउ अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ बीएफएस एल्गोरिथम। ठीक है, बीएफएस को कैसे, तो पहले मान लो हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हम एक ऐड एक टू द Q1 एंड Q B में नल ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हमने ना एक क्यू दो क्यू लेनी है, सबसे पहले हमें दो क्यू लेनी है। हमारे पास दो क्यू हो गई, एक ए हो ये वाली क्यू हो गई और दूसरी हमारे पास एक और क्यू है। ठीक है, इसमें तो फिलहाल अभी हमारे पास क्यू का साइज जो रहेगा Q1, और सेम हमारे पास क्या रहेगी, Q2 रहेगी। Q2 रहेगी, ठीक है, Q2 का मतलब Q2, दूसरी Q।
ठीक है, तो एक हमारे पास, एक दो तीन चार पाँच छ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 बॉक्स है हमारे पास। ये क्यू हमारी 2 है, ठीक। इसमें अभी हमारे पास नल होगा, पूरे में कुछ भी नहीं होगा, 0 0 होगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें ऐड करना है A को। क्यू में देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है फ्रंट और रियर, फ्रंट और रियर। अभी तो दोनों को हम पॉइंट ऐज कर रहे हैं कि रियर और फ्रंट हमारा क्या है, दोनों ही हमारा 0 इंडेक्स पे हैं, दोनों ही हमारे 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पर हैं, फ्रंट एंड रियर दोनों इस जगह होंगे। तो अब सबसे पहले अगर ग्राफ ट्रैवर्सिंग हमें करनी है, ठीक है, ग्राफ ट्रैवर्सिंग करनी है, तो हमें क्या करना होगा, हमें ए को पुट करते हैं हम, ए को, ए जो हमारे पास सबसे पहले स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है हमारा, कि जो ए को ऐड करेंगे Q1 में, Q1 में हमने क्या किया, ए को ऐड कर दिया, Q1 में ए को ऐड कर दिया, ठीक है, Q1 में ऐड करेंगे एंड उसके बाद अब क्या करेंगे, इसको हमने, यही फ्रंट है यही रियर है, तो अभी हमें इसको डिलीट करना होगा, जैसा कि मतलब पहले इंसर्ट किया इसमें, अब हमें इसको डिलीट करना होगा। डिलीट करने के लिए हमने इसमें पुट किया Q2 में। अब उसके बाद जैसे ही ये वाली डिलीट हो जाएगी, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पर इससे ए से एडजेसेंस एलिमेंट जो भी होगा उसको हमें इसमें इंसर्ट करना होगा। ए से एडजेसेंस एलिमेंट हमारे पास क्या है, बी है, और डी है, तो सबसे पहले हम किसको ऐड करेंगे, बी को ऐड करते हैं और फिर डी को, तो हम बी को क्यू ए में, ए में हमने डाला बी एंड डी, ठीक है, तो बी रियर हमारा कहाँ पहुंच गया, रियर हमारा नेक्स्ट इंडेक्स में पहुंच गया, क्योंकि रियर जब भी इंसर्ट करते हैं तो वो रियर इंक्रीज होता है, तो रियर हमारा यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एलिमेंट कौन सा डिलीट होगा, जो पहले इंसर्ट किया जाएगा। पहले इंसर्ट क्या किया गया था, पहले इंसर्ट किया गया था हमारे पास बी, बी तो बी को इंसर्ट किया गया था, तो बी को हम क्या कर लेते हैं, इसमें ए के बाद प्रिंट करा लिया बी, बी जैसे प्रिंट हो जाएगा हमारे पास ये इंडेक्स खाली हो जाएगा, डी बचेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बी को हमने जब डिलीट किया, तो इसके जो एडजेसेंस नोड होंगे, इसके एडजेसेंस नोड क्या है, सी और एफ है, सी और एफ, तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने सी को इंसर्ट किया एंड देन हमने किसको किया, एफ को इंसर्ट किया, क्लियर है, एफ को इंसर्ट किया। नाउ अब हम किसको डिलीट करेंगे, अब हम डिलीट करेंगे डी को, डी को डिलीट किया, डी हमारा कहाँ पर आ गया, यहाँ पर इस दूसरी क्यू में, ठीक। उसके बाद डी जैसे डिलीट हुआ, डी का एडजेसेंट एलिमेंट क्या है, एफ, एफ एफ ऑलरेडी इसमें है तो इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम किसको डिलीट करेंगे, अब हम डिलीट करेंगे सी को, सी को डिलीट करके, डिलीट मीन्स वहां से डिलीट करेंगे और यहाँ पर दूसरी क्यू में प्रिंट कराएंगे सी को, ठीक है। जैसे डिलीट हुआ, अब इसके सी के एडजेसेंट एलिमेंट को हम इंसर्ट करेंगे, सी का एडजेसेंट एलिमेंट क्या है, तो एक है जी और एफ, तो पहले हम जी को इंसर्ट करते हैं, जी को, एंड नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अगला होगा हमारा एफ, हमारा अगला एफ होगा, ए सॉरी जी और ई होगा, अगला ई होगा। अब क्या करते हैं, अब हमारा क्या होगा, सी हो गया, अब हमें एफ को, पहले इंसर्ट कौन गया था, एफ गया था, तो अब एफ को प्रिंट करा देंगे, ठीक है, एफ को प्रिंट कराया। अब इसका कोई एडजेसेंस एलिमेंट है, एफ का एडजेसेंस एलिमेंट हमारे पास क्या है, एफ का एडजेसेंस एलिमेंट केवल और केवल ए है, ए ऑलरेडी हमारा प्रिंट हो चुका है, तो इसको नो नीड टू प्रिंट इट अगेन, ठीक है। अब उसके बाद क्या डिलीट होगा, अब उसके बाद जी डिलीट होगा हमारा, फिर से जी डिलीट होगा, तो इसको हमने क्यू से डिलीट कर दिया और यहाँ पे प्रिंट करा दिया जी। अब जी का देखते हैं कोई एडजेसेंस एलिमेंट है, एडजेसेंस एलिमेंट है क्या जी का, जी का हमारे पास ई एडजेसेंस है, ये ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, लास्ट इंडेक्स क्या है, ई, और इसको भी हम डिलीट कर देंगे
और इसको प्रिंट करा देंगे, ई को भी डिलीट कर देंगे एंड इसको हम प्रिंट करा देंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी, ग्राफ के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, एफ भी आ गया, ई और जी, सारे एलिमेंट हमारे क्या हो गए, डिस्प्ले हो गए वन बाय वन, ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, डिस्प्ले हो गए। तो सबसे पहले यही क्या किया, क्यू एक थी हमारे पास, उसको नल लिया, क्यू क्यू ए वन थी उसमें ए डाला और नल किया, फिर क्यू ए को नाउ डिलीट नोड ए फ्रॉम द क्यू वन एंड एड इन टू क्यू इंसर्ट ऑल द नेबरिंग एलिमेंट। मीन्स ए को डिलीट करेंगे, उससे जो नेबरिंग एलिमेंट होंगे, उसके जो एडजेसेंट एलिमेंट होंगे, उनको हम इंसर्ट करेंगे, जैसे बी और डी। ए प्रिंट हो गया, अब बी को डिलीट करेंगे तो बी इसमें आ गया, बी से जो बी के जो एडजेसेंट एलिमेंट जैसे सी और एफ, उनको हमने ऊपर वाले में इंसर्ट कर दिया और ए और बी को डिलीट कर मीन्स प्रिंट करा लिया। अब किसको करेंगे, डी को, तो डी को कर लिया, बचा क्या, सी एफ। उसके बाद सी को डिलीट करेंगे, बचे क्या क्या, ई एफ, ई एफ, ई जी बचेगा। अब उसके बाद ई को एफ को डिलीट करेंगे तो ए बी सी डी, ए बी डी सी एफ हो गया और ई जी बचा। उसके बाद जी ई को करेंगे फिर बचेगा जी, देन उसके बाद सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएगी, क्यू वन हो जाएगी हमारी नल। ओके, तो सारे एलिमेंट इसके डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक, ये हमारी सेकेंड थी एल्गोरिथम क्यू के थ्रू इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्यू के द्वारा हम बी एफ एस को इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लियर है, थैंक यू वेरी मच। सत्यम, हेलो।